हेलो फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स, हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी डिस्कस की थी। आज हम जॉन मिल्टन के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जॉन मिल्टन के वर्क स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो मिल्टन की लाइफ है उसमें जो उन्होंने लिटरेरी आउटपुट उनका आया, तो उस लिटरेरी करियर को थ्री पार्ट्स में बांटा जाता है। चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ मिल्टन्स लिटरेरी करियर। और वो थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनमें फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है 1632 से लेकर 1637 तक, यानी जो फर्स्ट पीरियड है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1632, 1632 से लेके 1637 तक। क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो पीरियड है, इस पीरियड को होरसन पीरियड कहा जाता है। होरसन एक प्लेस का नाम है, मिल्टन उन दिनों वहीं रहते थे और यहीं पर उन्होंने जो लिटरेरी आउटपुट उनका रहा है उसको होरसन वर्क्स कहा जाता है। तो 1632 से लेके 1637 तक ये 5 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है इसको होरसन पीरियड कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? जो सेकंड पीरियड है वो 1640 से लेके 1660 तक माना जाता है, 1640 से लेके 1660 तक। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो पीरियड है ये पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स एंड सोनेट्स, जो पैम्पलेट्स जॉन मिल्टन ने लिखे, तो वो पैम्पलेट्स मोस्टली इसी ड्यूरेशन में आए, इस 1640 से 1660 के पीरियड के बीच लिखे गए। और वो एक्चुअल में कुछ भाई जो सोशल इश्यूज थे कुछ उनके अगेंस्ट थे, तो उनको कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स कहा जाता है। और सोनेट्स जो आई मिल्टन की मोस्टली वो भी इसी पीरियड में आई। तो यू कैन से दिस पीरियड इज अ पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स एंड सोनेट्स। एंड सोनेट्स। क्लियर बात फ्रेंड्स? इसके बाद 1660 से लेकर और 1674 तक का जो पीरियड है सेवेंटी फोर में चूंकि ऑथर की डेथ हो गई थी, तो फ्रेंड्स ये जो कहा जाता है इस पीरियड को, ये एक्चुअल में वो पीरियड था 1660 से लेके 1674 तक का, जिसमें जो पोएट थे वो ब्लाइंड हो गए थे। क्लियर? यानी अब ब्लाइंड पोएट ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट 1608 में, 1608 में ऑथर का बर्थ हुआ, ऑथर पैदा हुए। और एट द अर्ली एज ऑफ 44, मात्र 44 साल की एज में ही ऑथर कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप कर लेता हूँ और उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। वो क्या है कि ऑथर जो ब्लाइंड हो गए थे किसी बीमारी के कारण, इनकी आईसाइट जो थी वो जाती रही, तो आपको उस बीमारी का नाम बताना है कि कौन सी वो बीमारी थी जिससे ऑथर की जो विजन है वो धीरे धीरे कम हो रहा था और कंप्लीटली वो ब्लाइंड हो गए। क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बीमारी का नाम। तो यहां पर ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट। क्लियर? और एक्चुअल में ये जो पीरियड था थर्ड पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मिल्टन के वो आए, जिसमें पैराडाइज लॉस्ट था, पैराडाइज रिगेन था, सैमसन एक्विनेस्ट था। मीन्स यू कैन से दिस पीरियड शोज द हाईएस्ट पोएटिक जीनियस ऑफ द पोएट।
मीन्स पोएट का जो लिटरेरी आउटपुट था, जो उसका बेस्ट आउटपुट था, वो इस पीरियड में हमें मिलता है, किसमें? 1660 से लेकर 1674 तक। यानी यू कैन से द पीरियड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। ये दोनों वर्क्स आए, पैराडाइज लॉस्ट आया, पैराडाइज रिगेन्ड आया, एंड सैमसन अगोनिस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? अ पीरियड ऑफ हाईएस्ट पोएटिक जीनियस ऑफ मिल्टन। और ये कौन सा पीरियड था? ये थर्ड पीरियड था, थर्ड फेज थी लाइफ की, उनकी लिटरेरी करियर की, 1660 से लेकर 1674 तक। तो फ्रेंड्स ये तीनों पीरियड आपको क्लियर हुए, तो चलिए इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम इस ऑथर के जो वर्क्स हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिल्टन के इंपॉर्टेंट वर्क्स हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला जो वर्क है वो है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। नेटिविटी। क्लियर फ्रेंड्स? ये जो ओड आई ये फ्रेंड्स 1629 में आई। किस ईयर में? 1629 में, पहली बात। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, ये जो ओड मिल्टन ने लिखी, ये जो वर्क था मिल्टन का, इस पर जो इन्फ्लुएंस था वो मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस इस वर्क पर रहा है। तो यू कैन से कंपोज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। और मेटाफिजिकल पोएट्स जिसमें सबसे बड़ा नाम जॉन डन का लिया जाता है, वही पोएट्स फ्रेंड्स मेटाफिजिकल थे। ये जो ओड है ये एक डिग्निफाइड लिरिक है। डिग्निफाइड कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ हाई लेवल, ऊंचे लेवल का, एग्जाल्टेड। क्लियर? तो यू कैन से दिस ओड इज अ डिग्निफाइड लिरिक। Shows the influence of Spencer. इस ओड पर स्पेंसर का एक इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। और फ्रेंड्स एक्चुअल में मिल्टन ने स्पेंसर को अपना मास्टर भी कहा है। स्पेंसर मिल्टन के गुरु कहे जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन। सॉरी, शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर। क्लियर? स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर थे जो फेरी क्वीन के ऑथर थे, जान गए होंगे फ्रेंड्स। एक क्रिटिक रहे हैं डब्ल्यू एस लैंडोर, और लैंडोर का एक रिमार्क रहा है कि आई थिंक इट इज कंपेरेबली द नॉवलेस्ट पीस ऑफ लिरिक पोएट्री इन एनी मॉडर्न लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो पीस है, ये जो वर्क है, ये क्या है? नॉवलेस्ट पीस है, सबसे अच्छा वर्क मिल्टन का है। क्लियर? चलिए नोट कर लेते हैं इस मार्क को भी, डब्ल्यू एस लैंडोर। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा आई थिंक इट इज कंपेरेबली द नॉवलेस्ट पीस।
क्या है फ्रेंड्स, जो नॉवेलिस्ट मीन सबसे बढ़िया पीस रहा है, पीस ऑफ लिरिक पोएट्री इन एनी मॉडर्न लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात? तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस ओड पर, इस पोएम पर निकल कर आए हैं, तो फ्रेंड्स वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। और अगर कोटेशंस की बात है तो जितनी भी कोटेशंस इंपॉर्टेंट्स हैं उन कोटेशंस को हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पोएम को पॉइंट वाइज हम नोट करते जाते हैं। पोएम में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जो भी हमें लगता है कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी को हम पेन डाउन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्क मिल्टन का लेते हैं, एल एलिग्रो। और एल एलिग्रो के साथ एल पेंसिरोसो। एल पेंसिरोसो फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये दोनों जो पोयम हैं, ये क्या कही जाती है, इनको ट्विन पोएम्स कहा जाता है। पोएम्स, और कब आई फ्रेंड्स, ये दोनों जो पोएम आई ये 1631 में आई, 1631 में आई। क्लियर है बात? इसके अलावा फ्रेंड्स, ये वो पोएम थी जो मिल्टन जब होडसन में रह रहे थे, तो होडसन में रहते हुए मिल्टन ने ये पोएम लिखी, यानी एट होर्सन मिल्टन कंपोज्ड दीज पोएम्स। बात क्लियर हुई? यानी ट्विन पोएम्स कही जाती है, 1631 में आई, और जब होर्सन में रह रहे थे तब मिल्टन ने ये पोएम्स लिखी। और ये पोएम्स जो है फ्रेंड्स, एक्चुअल में ऑक्टोसिलेबिक एक कपलेट होता है, उस ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। क्लियर है बात फ्रेंड्स? इसके अलावा जो एल एलिग्रो है, एल एलिग्रो बताती है द लाइफ ऑफ ए जॉयफुल मैन। टेल्स अस द लाइफ ऑफ अ जॉयफुल मैन। क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो पोयम है, इसको एक पेस्टोरल पोयम भी कहा जाता है। क्या है फ्रेंड्स? ये पेस्टोरल पोयम है। क्लियर हुई बात? इसके अलावा फ्रेंड्स, जो एल एलिग्रो है, इज एन इन्वोकेशन टू द गॉडेस मिर्थ। एक गॉडेस मिर्थ है जो खुशी की देवी है, हंसी की देवी है, उसका यहां इन्वोकेशन है। एल एलिग्रो इज एन इन्वोकेशन टू द गॉडेस ऑफ मिर्थ। बात क्लियर हो गई? चलिए, टू द गॉडेस ऑफ मिर्थ। अब जो सेकंड पोएम है, एल पेनेसोरोसो, एक्चुअल में ये फ्रेंड्स प्रेजेंट करती है थॉट ऑफ अ फुल मैन। क्लियर? एल पेनेसोरोसो प्रेजेंट्स थॉट ऑफ अ फुल मैन। क्लियर? और ये जो पोयम है एल पेनिसोरोसो, ये इन्वोकेशन टू द गॉडेस मेलंकली, इज द इन्वोकेशन
टू द गॉडेस ऑफ मेलनकोली। फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है, जो खुशी की देवी है उसका इन्वोकेशन एलिग्रो में है और जो दुख की देवी है उसका इन्वोकेशन एल पेंचिरोसो में है। क्लियर? तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो दोनों पोयम है, एक तो बताती है खुशी को और एक बताती है दुख को। एक्चुअल में जो एल एलिग्रो है उसका जो मीन्स है वो है फ्रेंड्स द हैप्पी मैन, और ये एक्चुअल में इटालियन में इसका मीनिंग है अ हैप्पी मैन। और जो एल पेंसोरोसो है इसका जो मीनिंग है द सीरियस मैन और द मेलनकली मैन। क्लियर? सीरियस मैन और द मेलनकली मैन, और यू कैन सी द थॉटफुल मैन। देखिए ये जो पोयम है एल पेंसोरोसो, इसमें पोएट डिस्क्राइब करता है द प्लेजर ऑफ मेडिटेटिव लाइफ ऑफ ट्रेजेडी एपिक पोएट्री एंड म्यूजिक। क्लियर फ्रेंड्स? इन एल पेंसोरोसो द पोएट, एल पेंसोरोसो में पोएट क्या डिस्क्राइब करते हैं? प्लेजर ऑफ द मेडिटेटिव लाइफ। प्लेजर ऑफ द मेडिटेटिव लाइफ, यानी मेडिटेटिव लाइफ का प्लेजर, आध्यात्मिक जीवन का, ऑफ ट्रेजेडी ऑफ एपिक पोएट्री एंड म्यूजिक। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी इसमें जो ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं जो आनंद प्राप्त होता है मेडिटेटिव लाइफ से, ट्रेजेडी से, एपिक पोएट्री और म्यूजिक से, उसको यहां वो बता रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में ये जो पोयम ये बताती है, क्या बताती है? प्यूरिटन आउटलुक ऑफ लाइफ, जीवन का जो प्यूरिटन आउटलुक है उसको ये बताती है। प्यूरिटन आउटलुक ऑफ लाइफ। क्लियर है बात फ्रेंड्स? जो एल एलिग्रो है, अब ये कौन सी पोएम बताती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। दिस पोएम मींस एल पेंसिरोसो, क्योंकि ऊपर एल पेंसिरोसो की बात हो रही है। तो जो एल एलिग्रो है डिपिक्ट्स द कैवेलियर आउटलुक ऑफ लाइफ। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? और इनका जो मीनिंग बताया था मैंने वो शायद आपको लर्न हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो फिर मैं लिख देता हूं यहां। जो एल एलिग्रो है मींस क्या बताया था फ्रेंड्स, इसका जो मींस है वो है द हैप्पी मैन, और किस लैंग्वेज में है? इटालियन में। और जो सेकेंड पोएम है एल पेंसोरोसो, इसका मीनिंग है फ्रेंड्स द सीरियस मैन और द मेलनकोली मैन। और द मेलनकोली मैन। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए जो मेलनकोली मैन, और ये भी इटालियन में है, ये पॉइंट भी यहाँ नोटेबल है कि ये भी इटालियन है, ये भी इटालियन है, दोनों इटालियन लैंग्वेज में है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब इन एल एलिग्रो और एल पेंसोरोसो के बाद हम बात कर लेते हैं मास्क ऑफ कॉमस की। क्या फ्रेंड्स? मास्क ऑफ कॉमस।
एक्चुअल में नाम से ही पता लग रहा है ये पोएम क्या थी, एक मास्क थी। और जो मास्क क्या होती है फ्रेंड्स, एक एंटरटेनमेंट का साधन होती है। और जब हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डिस्कस की थी, वहां हमने मास्क पर बहुत सारी बातें आपको बताई थी। आप चाहे तो वहां डीपली इसको देख सकते हैं कि मास्क क्या होती है। देखिए, जो मास्क है ये फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1634, 1634 में ये पहली बार प्रेजेंट हुई। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। और परफॉर्म्ड एट लडलो कासल, लडलो कासल में ये पहली बार परफॉर्म हुई बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, जो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे उनके सामने। क्लियर फ्रेंड्स? तो परफॉर्म्ड एट लडलो कासल। बात क्लियर हो गई, लडलो कासल में परफॉर्म हुई बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए कि जो पोयम है कॉमर्स, ये जो मास्क है ये एक्चुअल में फ्रेंड्स स्टोरी है, स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों की कहानी है, एंड देयर सिस्टर, और उनकी सिस्टर है जिसका नाम लेडी है। क्लियर? सिंपल, जिसको लेडी कहा जाता है इस मास्क में। तो दो भाइयों की और एक बहन की कहानी है। नी थ्रू द वुड्स, वो जंगल में एक यात्रा के दौरान वो लॉस्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, और वो फटीग्ड हो जाती है। और एक्चुअल में उसके जो दो भाई हैं वो उसको सर्च करते हैं और फिर वो लास्ट में उनको मिल जाती है। और इसमें जो कॉमर्स है, जो एनकाउंटर, जो लेडी है वो कॉमर्स से एनकाउंटर करती है। और जो फ्रेंड्स हीरोइन ऑफ कॉमर्स है वो प्योरिटी और चेस्टिटी, यानी जो पवित्रता है, पवित्रता की वो देवी प्रतिमूर्ति वो कही जाती है। क्लियर? क्योंकि इसमें कॉमर्स है जो देवता है वो इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। बात क्लियर हुई? यानी टू ब्रदर्स और उनकी एक सिस्टर की कहानी, सिस्टर गायब हो जाती है, खो जाती है, कॉमर्स उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्योरिटी के साथ, वो चेस्टिटी उसकी बनी रहती है और वो फिर मिल जाती है। क्लियर? तो बहुत ज्यादा तो हमें डिटेल इसकी नहीं पढ़नी है, ये मैंने आपको ब्रीफली इस कॉमर्स को बता दिया है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो इसकी स्टोरी भी कहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर? आपकी बुक में अवेलेबल होगी, नहीं तो इंटरनेट पे जाइए, वहां आपको कंप्लीट स्टोरी मिल जाएगी। अदरवाइज तो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ, द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर। सिस्टर द लेडी, ये सिस्टर का नाम है। क्लियर फ्रेंड्स? लॉस्ट इन ए जर्नी थ्रू द वुड्स, और इसके बाद क्या है, लेडी बिकम्स फटीग्ड एंड द ब्रदर्स वांडर ऑफ इन सर्च ऑफ सस्टेंस। फटीग, शी एनकाउंटर्स कॉमर्स, कॉमर्स से वो मिलती है, ब्रदर्स वांडर ऑफ इन सर्च ऑफ क्लियर अबाउट फ्रेंड्स, इन सर्च ऑफ लेडी। और
जो हीरोइन है, जो कॉमस है, वो जो हीरोइन है फ्रेंड्स, जो जिसको द लेडी कहा गया है, वो क्या है? शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी। एम्बॉडीमेंट क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, किसको कहते हैं? प्यूरिटी एंड चेस्टिटी। देखिए जो वर्ड है एम्बॉडीमेंट, इसको कहा जाता है प्रतिमूर्ति, यानी आइकन और यू कैन से सिंबल। क्लियर? तो ये कॉमर्स आपको क्लियर हुई, समझ आई होगी आई थिंक। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्क मिल्टन का, लाइसीडास। लाइसीडास देखिए, लाइसीडास क्या है एक्चुअल में? लाइसीडास एक पेस्टोरल इलेजी है। और ये कब आई? ये आई फ्रेंड 1637 में। और जो वर्ल्ड की फाइनेस्ट इलेजीज हैं, वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी इलेजीज हैं, उनमें लाइसीडास को कंसीडर किया जाता है। लाइसीडास को, लाइसीडास का जो प्लेस है वो उनमें है। क्लियर फ्रेंड्स? और लाइसीडास क्या है, ये एक्चुअल में ये जो है, ये लास्ट ऑफ हिज होर्सन पोएम्स भी कही जाती है। क्लियर? लास्ट ऑफ हिज होर्सन पोएम। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लाइसिडास है, ये कॉमेमोरेट करती है एडवर्ड किंग को। किसको कॉमेमोरेट? एडवर्ड किंग। क्लियर है बात? एक्चुअल में अब ये एडवर्ड किंग कौन थे? ये जो मिल्टन के एक कॉलेज फ्रेंड थे, ड्राउंड इन द आयरिश शिप, आयरिश सी में इन ये डूब गए थे और इनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं को कॉमेमोरेट करते हुए, इन्हीं को समर्पित, इन्हीं को याद करते हुए मिल्टन ने जो लाइसीडास है इलेजी, ये लिखी है। क्लियर फ्रेंड्स? और पेस्टोरल है, पेस्टोरल क्यों है? पेस्टोरल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है शेफर्ड। और पेस्टोरल इलेजी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मिल्टन ने अपने आप को और अपने फ्रेंड दोनों को ही एक शेफर्ड एज्यूम करके ये जो इलेजी है ये लिखी है। बात क्लियर है? तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग, हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग ड्राउंड इन द आयरिश सी। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? रिटन ऑन द क्लासिकल मॉडल, ये एक्चुअल में जो थियोक्राइटस एक राइटर रहे हैं और बायोन, थियोक्राइटस और बायोन का जो क्लासिकल मॉडल था उस पे ये बेस्ड है, उस पर ये लिखी गई है। तो रिटन ऑन द क्लासिकल मॉडल ऑफ क्लासिकल मॉडल किसका बताया फ्रेंड्स? थियोक्राइटस एंड बायोन। बात क्लियर है? चलिए, और ये जो पोयम है, अगर इसकी राइम की बात करें तो ये एक इरेगुलर राइम में है। बात क्लियर है फ्रेंड्स?
तो क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए लाइसीनास पर? पेस्टोरल इलेजी 1637 में आई, लास्ट फोर्सन पोयम है, एडवर्ड किंग को कॉमेमोरेट करते हैं जो आयरिश सी में डूब गए थे और उनके कॉलेज फ्रेंड थे। दोनों को ही ऑथर ने यहाँ शेफर्ड की तरह एज्यूम करते हुए ये इलेजी लिखी है और क्लासिकल मॉडल ऑफ थियोक्राइटस एंड बायोन पर ये बेस्ड है। और इसके अलावा एक खास बात और कि ये जो इरेगुलर राइम है, इरेगुलर राइम में लिखी गई है। फिर काफी लेंथी लेक्चर हो गया और एक ही लेक्चर में हम सारे वर्क्स डिस्कस भी नहीं कर सकते, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो चलिए कुछ नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल्टन के जो प्रोज वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मिल्टन का जो मास्टरपीस है, यानी जिसमें आपका जो लास्ट फेज में जो आउटपुट रहा है, सैमसन एगोनिस्ट हो, पैराडाइज लॉस्ट हो या पैराडाइज रिगेन्ड हो, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप एंजॉय कर रहे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा एंड इवन टेलीग्राम पर भी मिलियन माइंड्स इंग्लिश हैशटैग डालकर आप सर्च कर सकते हैं और यू कैन फॉलो अस। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।